ये जुजू की फाइल है जो मैंने आपके लिए जो है ना निकाल लिया है। आज फाइनली मैं आपके साथ जुजू के बारे में शेयर करूंगी कि जुजू को हम सऊदी अरेबिया रियाद से कैसे हम इंडिया जुजू को लेकर आए हैं। प्राइस से लेकर हर चीज़ में इंशाल्लाह ये वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिक्वेस्ट आई थी मुझे, लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं जुजू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकी। तो चलिए ये फाइल को मैं ओपन करती हूँ। तो हमने जुजू की एक अलग ही सेपरेट फाइल बना दी है। एक्चुअली जस्ट हमारा अभी लंच हुआ है, तो लंच के बाद जो है ना मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। बैकग्राउंड में बच्चों की थोड़े से आवाज़ें भी आती होगी, तो माइंड बिल्कुल भी नहीं करिएगा। काफ़ी सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं जुजू का प्राइस भी मुझे पूछते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं। आज इस वीडियो में प्राइस से लेकर जुजू का आई कलर, उसका कलर और जुजू कौन से ब्रीड का है, एवरीथिंग इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो वीडियो जो है ना आप स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। जुजू को मेरे हस्बैंड 2019 में लेकर आए, यानी परचेज़ करके लेकर आए। मुझे पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, सिर्फ कैट्स का ही है। शादी के बाद भी जो है ना इन लॉज के घर में एक कैट थी, बहुत बड़ा साइज़ का था, लेकिन उसका जो हेयर्स है ना बहुत झड़ा करते थे और घर में बच्चे थे, तो उस वजह से उस कैट को किसी और को दे दिया गया था। मतलब उस पेट के बाद हमने और पेट को लिया नहीं। फिर मेरे हस्बैंड को तो पता था कि मुझे पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक दिन ऐसा हुआ 2019 जनवरी 1 को मेरे हस्बैंड जुजू को लेकर आए। मतलब जुजू का जो नाम था वो हमने ही रखा, बस वो लेकर आए। बहुत छोटा सा था वो। इंशाल्लाह अगर मुझे जुजू का पिक्चर मिलता है तो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी। वो बस 2 महीने का था, 2 मंथ से लेकर अभी अभी का अगर आप एज पूछेंगे तो 2+ का हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जुजू जुजू को हमने पेट ओसी से लिया था, मलस से लिया था। तो जो जुजू था मेरे लिए सरप्राइज़ था, तो मैंने आपसे जो है ना वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसका लिंक भी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो जुजू के जो भी चीज़ें होते हैं ना, तो मैंने बहुत संभाल के रखा है, मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने भी संभाल के रखा है। हमने उसको अलग से एक फाइल जो है ना जुजू का हमने बना दिया है। ये बिल दिख नहीं रहा है, मतलब अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। जो बिल है ना बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है ना, तो इस वजह से नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं फोकस जो है ना इस पे करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फोकस करूँगी। 1768 सऊदी रियाल्स, हस्बैंड ने इसको रियाद में लिया था ना, तो इसका जो प्राइस है रियाल्स में है। प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, सऊदी रियाल्स और इंडियन रुपीस में कितने होते हैं मैं कन्वर्ट करके स्क्रीन पे आपसे जो है ना शेयर करूंगी। तो जो कोई मेरे व्यूवर्स इंडिया से हैं तो उनको भी अप्रोक्स जो है ना पता लगेगा कि जुजू का जो प्राइस था कितने में हमने उसको परचेज़ किया था। ठीक है, तो ये जुजू का प्राइस हो गया। हस्बैंड ने जुजू को परचेज़ किया था, तो उसके बाद जो है ना हस्बैंड ने मेरे जुजू का सबसे पहले पासपोर्ट बनाया। जी ये जुजू का पासपोर्ट है, आप जहाँ से हमने उसको लिया है पेट ओसिस, और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन एंड हेल्थ एंड फॉर कैट्स। तो ये जो है जुजू का पासपोर्ट है। फ्रंट पेज पे जुजू का ओनर यानी मेरे हस्बैंड का नाम उन्होंने लिखा है, हमारा एड्रेस है जहाँ हम रहते हैं। तो फ्रंट पेज पे ये सब है,
और सेकंड पेज पे जो है जूजू का फोटो प्लस नेम, ब्रीड और जो भी है डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन है। और नाम जो है हमने जब जूजू को लिया था नेक्स्ट डे ही हमने रख दिया था नेम। जूजू का कलर भी किसी ने पूछा था कि कौन सा कलर का जूजू है, तो कलर जो है ना क्रीम ऑरेंज में है जूजू। हस्बैंड का प्लान बना जूजू को इंडिया लेकर आने का, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ पर थी तो जूजू मेरे बगैर नहीं रह सकते थे और हम जूजू के बगैर नहीं रह सकते थे। जब मेरे हस्बैंड जूजू को ले आने का प्लान बना तो सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाया जूजू को, एक वैक्सीन लगवाया और साथ में जो है ना एक जूजू के बॉडी में एक चिप ऐड किया है। तो जो भी उसके प्राइजेस हो गए ना वैक्सीनेशन का, वो चिप का, ट्रैवल का, एवरीथिंग क्वारंटीन से लेकर के, मैं एवरीथिंग ये वीडियो के लास्ट में ऐड करूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। जिस माइक्रोचिप की मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो यहाँ पर है, सारी डिटेल्स इसमें डाली गई है। तो ये जो माइक्रोचिप है ना वो जूजू के बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है। अब जूजू के जो बॉडी में माइक्रोचिप है उससे ये पता लगता है कि जूजू का नाम क्या है, जूजू का कलर कौन सा है, एवरीथिंग। जो पासपोर्ट में जो डिटेल्स है जूजू को अगर पंच करेंगे एयरपोर्ट में, जो सारी डिटेल्स पासपोर्ट में रहेगी वो इजीली स्क्रीन पे दिखेगी जब जूजू को पंच करेंगे। तो तीसरा जो सवाल है, जूजू बाय कार्गो से आया है या बाय एयर थ्रू ट्रैवल किया है? तो मेरे हस्बैंड अपने साथ लेकर आए हैं, बाय एयर ही लेकर आए हैं, काम हो चुका है। तो ये दो डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। सारे जो भी आप पेपर्स देख रहे हैं ना, ये सारे पेपर्स जूजू के हैं, तो मैं आपको जल्दी से एक एक करके मैं बताऊंगी। आप ये पेपर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल क्वारंटीन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस का पेपर है ये, नेवी मुंबई का। जूजू का नाम देख सकते हैं, ब्रीड और एज, जूजू का जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनका एज क्या था, और कलर पर मैं जूजू की सारी डिटेल्स हैं, जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे हैं और उनका जो डेस्टिनेशन कहाँ था, वो सारी चीज़ें पेपर में हैं, सारी डिटेल्स हैं। जूजू जो है मेरे हस्बैंड के साथ ही वो बाय एयर ही ट्रैवल किए हैं, और वो जो उनका वीडियो है ना जूजू का, मैं इस वीडियो में ही शेयर करूँगी। ये जो पेपर है, जब जूजू सऊदी अरेबिया से निकल रहे थे तो वहाँ से भी हमको अप्रूवल लेना था, तो वो पेपर है ये। आप देख सकते हैं माइक्रोचिप का नंबर, कंट्री ऑफ इंपोर्ट, कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ब्रीड कौन सी स्पीसीज ऑफ द एनिमल और नंबर, तो वही पेपर है ये। इंडिया आने के बाद भी जो है जूजू का जो भी है वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें थी वो भी मेरे हस्बैंड ने करवाया, तो ये वही पेपर है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगा होगा कि एक पेट के साथ कैसे ट्रैवल किया जाता है और कैसा प्रोसीजर था जूजू को इंडिया ले आने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल हुआ होगा। यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आता हो तो जाते जाते एक लाइक जूजू के लिए देते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हेल्दी एंड सेफ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।